नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई शो में। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करें कलर्स टीवी के पॉपुलर शो लागी तुझसे लगन के बारे में और जाने कि आखिर ये शो बंद क्यों हो गया था। यह एक भारतीय धारावाहिक शो था। इस शो के कुल 512 एपिसोड्स को कलर्स टीवी चैनल पर टेलीकास्ट किया गया था। इस शो का पहला एपिसोड 28 दिसंबर 2009 को आया था और आखिरी एपिसोड 6 जनवरी 2012 को आया था। इस शो की कहानी की बात करें तो शो की कहानी नकुसा नाम की लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। नकुसा वास्तव में एक सुंदर निष्पक्ष लड़की है, लेकिन अनुचित लाभ उठाने से बचने के लिए उसे अपनी सुंदरता को छिपाने के लिए मजबूर किया जाता है। शो में नकुसा के जीवन की समस्याओं और नकुसा तथा दत्ता की प्रेम कहानी को दिखाया जाता है। इस शो की कास्ट की बात करें तो शो में माही विज ने नकुसा का रोल किया है और पहले मिसाल रहे जाने तथा बाद में साबिर अहलूवालिया ने दत्ता बाबू का रोल किया है। अब बात करते हैं कि आखिर ये शो बंद क्यों हो गया था। इस शो के बंद होने का कारण शो के लीड एक्टर मिसाल रहेजा का शो को छोड़ देना था। मिसाल रहेजा ने शो को बीच में ही छोड़ दिया था, जिसके बाद शो की टीआरपी बहुत कम आने लग गई थी। मिसाल रहेजा को टीवी के पॉपुलर एक्टर साबिर अहलूवालिया ने रिप्लेस किया था, पर साबिर अहलूवालिया शो की गिरती टीआरपी को संभाल नहीं पाए, क्योंकि शो में दर्शकों को माही विज और मिसाल रहेजा की नकुसा और दत्ता के रूप में जोड़ी बहुत पसंद आई थी, पर साबिर अहलूवालिया को दत्ता के रूप में ऑडियंस ने ज़्यादा पसंद नहीं किया, जिसकी वजह से शो की लगातार कम टीआरपी आ रही थी। और इसी बीच शो के टाइम स्लॉट को भी बदला गया, पर फिर भी शो की टीआरपी नहीं सुधर पाई, जिसकी वजह से फाइनली 6 जनवरी 2012 को शो को बंद कर दिया गया था। शो के बंद होने का कारण शो के लीड एक्टर मिसाल रहेजा का शो को छोड़ देना था, जिसकी वजह से शो लगातार कम टीआरपी लाने लग गया था। इसी वजह से ये शो बंद हो गया था। तो दोस्तों, क्या आपने ये शो देखा है? प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं।